اللهم صل محمد وآل محمد. अहलेबैत अतहर अलैहिस्सलाम की अज़मत पर, उनकी अज़ीम शान क़ुरबानियों पर एक बार फिर दुरूद भेजें। मोहम्मद व आले मोहम्मद। बार दीगर दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد محمد وأجل الفرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیگا محمد و آل محمد پر. صلى الله عليه وسلم. परवरदिगार आलम का इंतहाई लुत्फ करम है, इंतहाई एहसान है, उसने हमें अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, उनकी अकीदत नसीब फरमाई, सैयदुल शुहदा के गम में रोना नसीब फरमाया। नहीं मालूम कितनी रिवायात इस बात के ऊपर हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से सैयदुल शुहदा के लिए आंसू बहाए, खुदा उसे क़्यामत के दिन रोने नहीं देगा, खुदा उसे महफूज फरमाएगा। नहीं मालूम कितनी रिवायात इस बात पर हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से दुनिया में इमाम हुसैन को याद रखे, अहले बैत अतहर मौत से लेके आखरत के तमाम मराहिल में उसका ख्याल करेंगे। इंशाअल्लाह खुदा हमारी कबूर को अहले बैत की नूरानियत से मुनव्वर फरमाए, इस दुनिया में उनकी ज़ियारत और उस दुनिया में उनकी शफात नसीब फरमाए। खुदा परशम अज़दारी को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने की सआदत नसीब फरमाए, उनके वारिस उनके फर्जंद के ज़हूर का दिन देखना नसीब फरमाए, उनकी नुसरत और नुसरत की राह में शहादत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए मेरे ख़ास वक्त के इमाम के हुजूर इस शब की तसलियत पेश करने के लिए दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। परवरदिगार आलम ने इंसान को जिस अंदाज़ में खल्क किया और जिस तरह से उसको फरिश्तों के सामने पेश किया, जिस तरह से इंसान की हिदायत के लिए अम्बिया आइम्मा कुरान करीम ये सब अल्लाह ताला ने एहसान फरमाए, इन सब से
बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि अल्लाह ने इंसान को किसी छोटे काम के लिए खल्क नहीं किया है, और वो नहीं चाहता कि ये काम जबर के ज़रिए से अंजाम पाए। अगर वो जबर के ज़रिए से कुछ मखलूकात को बड़े मकाम पे पहुंचाना चाहे तो वो फरिश्तों के अंदर ये काम कर चुका है। उसने फरिश्ते खल्क किए हैं, उनके अंदर आला और अरफा मकामात हैं, वो बड़े बड़े मनासिब पे फाइज हैं। उसके लिए जिन्होंने कोई जद्दोजहद नहीं की, कोई इम्तिहान नहीं दिया, किसी सख्ती से नहीं गुजरे, लेकिन उसके बाद उसने इंसान को खल्क किया। और इंसान को जो खल्क किया तो वो इस तरह से खल्क हुआ है कि गोया जब वो खल्क होता है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल होता है, हर चीज़ का पोटेंशियल है। प्रैक्टिकली वो एक ज़ीरो की पोजिशन पर है, प्रैक्टिकली उसके अंदर कोई कमाल नहीं है, पोटेंशियल है बहुत सारे कमालात का। वो दुनिया में आएगा अपनी जिम्मेदारियों के साथ, उन ड्यूटीज़ के साथ जो उसको अंजाम देनी है, इम्तिहानों के साथ, इसके अंदर आहिस्ता 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 अपने आप को एलिवेट करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा। इस प्रोसेस का नाम तज़किया है कि इंसान अपने आप को प्योरीफाई करेगा, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएगा। जो ये काम करेगा उसको अल्लाह ताला फरमाता है कि ये वो है जो सक्सेसफुल है, ये कामयाब इंसान। कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दसाहा, कामयाबी ये है। और जैसे कि आपके सामने कई मरतबा मुतअद्दिद ज़ाकिरीन खुतबा उलमा इरशाद कर चुके हैं कि 11 कस्में खाने के बाद खुदावंद मुताला ने ये स्टेटमेंट दिया। सिर्फ़ एक जगह खुदावंद मुताला ने कुरान करीम में 11 कस्में खाई हैं, और ये वो जगह है। अब ये था कि यही बात समझना हम लोगों के लिए मुश्किल पड़ रही है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उस दुनिया में फाउंडेशंस में सब में इख्तलाफ है इस आइडिया के साथ। ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो मिल जाती हैं, लेकिन फाउंडेशन में बेसिस बेस में सब बिल्कुल डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर जो शख्स तज़किया नफ्स करेगा वो सच बोलेगा, दुनिया भी कहती है सच बोलना चाहिए। जो तज़किया नफ्स करेगा वो इंसानों के काम आने की कोशिश करेगा, दुनिया भी कहती है कि इंसानों को इंसानों के काम आना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो तज़किया नफ्स करेगा उसने तीन मेन रियलिटीज़ को एक्सेप्ट किया है, और जो इस वक्त दुनिया का सिस्टम है वो चूँकि वो मटेरियल वर्ल्ड के अलावा कायल ही नहीं है, मानता ही नहीं है, तो उसने उन तीनों रियलिटीज़ का इनकार किया हुआ। फंडामेंटल डिफरेंस यहाँ पर है कि मिसाल के तौर पर हम और आप जो तज़किया नफ्स के कायल हैं, कुरान करीम के कायल हैं, अहले बैत को मानते हैं, वो मानते हैं कि इस दुनिया के पीछे एक खुदा है। जो आइडिया इस वक्त प्रिवेलिंग आइडिया है उसके अंदर चूंकि वो फिज़िकल वर्ल्ड के अलावा किसी कुछ मानते ही नहीं है तो उसमें खुदा नहीं है। हम जो इस तरफ के हैं तज़किया नफ्स वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि इंसान के अंदर नफ्स है जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ बॉडी नहीं है। तो हम बियॉन्ड बॉडी किसी चीज़ के कायल हैं, जिस तरह हम इस दुनिया के पीछे खुदा को देखते हैं अपने बदन के पीछे रूह को देखते हैं, जिसको नफ्स भी ताबीर करते हैं। जो प्रिवेलिंग आइडिया है उसके अंदर सोल की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, है ही नहीं असलन, जो कुछ है वो बॉडी है। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमारा उनके साथ डिफरेंस बनता है वो ये कि हम एक आखरत को मानते हैं, और जो कुछ करते हैं उस आखरत को बेहतर से बेहतर करने के लिए, जिसके रिजल्ट में दुनिया भी बेहतर हो जाएगी। और उस तरफ जो आइडिया है उसके अंदर आखरत की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आपको और मुझे जो टास्क मिला है वो ये कि इन तीन आइडियाज़ के साथ अपने आप को इम्प्रूव करो, और इसमें हमारे सामने इमामत का किरदार है। अच्छा, एक बात बहुत सादा सी है, आप किसी इंसान को ऑफ़र करें कोई काम हो जिसमें लज्जतें हैं, आसानियाँ हैं, मज़े ज़िंदगी के, और उसके सामने एक और काम ऑफ़र करें जिसमें सख्तियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, कंट्रोल है, कौन सा आइडिया ज़्यादा पॉपुलर होगा? वो जिसके अंदर आसानियाँ होंगी, मज़े होंगे, लज्जतें होंगी, और जिस काम में सख्तियाँ होंगी उसको इंसान सोचेंगे कि इसको ना ही करें बेहतर है। इंसान की तबीयत के अंदर आ गया,
और इसी खातिर आप देखें कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हत्ता दुनिया की सक्सेस को भी हासिल नहीं कर पा रहे। क्यों? उनके अंदर वही फार्मूला हत्ता दुनिया के लिए भी आता है। जब उनको दुनिया के लिए भी कंट्रोल करना पड़ता है तो वो कंट्रोल नहीं करते। ये हमारा और आपका असल चैलेंज है जो इस दुनिया के अंदर है। ये जो मैंने आयत करीमा आपके सामने पढ़ी, कद अफलाहा मन ज़क्काहा, ये कोई तकल्लुफ़ नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर हमने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने की खातिर, एम्फेसिस की खातिर ये आयत रख दी। नहीं, 11 कस्मों के बाद एक स्टेटमेंट आया है, ये शख्स कामयाब है। अब जो मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर चैलेंज होगा वो ये कि देखें कि भाई हम इसी को कामयाब कहते हैं या किसी और को कामयाब कहते हैं। अब चूंकि इस सिलसिले की यहाँ पर आखिरी मंजिस है, लिहाजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा बहुत बड़ा पॉइंट कि जिसके ऊपर इमाम की नुसरत के लिए हमें मेहनत करनी होगी। आपके जहन में हमारा टॉपिक है करबला से ज़हूर तक नुसरत इमाम के मराहिल। प्रैक्टिसेस के साथ और उनसे बढ़कर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी वो वैल्यूज़ का इशू है। हमारी वैल्यूज़ क्या हैं? और वो तीन फाउंडेशन अगर आपने निकाल दी, आपका सेट ऑफ वैल्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट है। उस सेट ऑफ वैल्यूज़ में सक्सेस का स्टैंडर्ड दुनिया है फिर। और अगर आपने उन तीन को एक्सेप्ट कर लिया, अब आपका सेट ऑफ वैल्यूज़ डिफरेंट है। मैं एक मिसाल अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप और मैं, अगर हमसे और आपसे पूछे कि भाई दुनिया के 50 कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ, तो हम आज शब आशूर सईदुश्शुहदा की मजलिस में बैठे हैं। अगर हमसे कोई, हमें कोई अभी एक प्रोफार्मा दे दे और कहे कि नहीं 50 नहीं मसलन 30 कामयाब इंसानों की लिस्ट बनाओ, तो उन 30 कामयाब इंसानों की जो मैं और आप लिस्ट बनाएंगे इस एनवायरनमेंट के अंदर बैठकर, मेरा अपने ख्याल है यही बच्चे अगर बाहर जाएंगे कोई और उनको परफॉर्मा पकड़ा दे 30 कामयाब होगा तो मुझे मालूम है वो क्या क्या लिखने वाले हैं फिर। लेकिन यहाँ पर अगर बैठे और हमसे कोई कहे 30 कामयाब इंसानों का, ये वही हैं जिनको हम बाहर जाकर भी कामयाब इंसान कहेंगे। प्रॉब्लम ये हो गई है। अब जो मुझे लग रहा है वो क्या हो रहा है, हम लोगों ने अपनी पर्सनैलिटीज़ को दो हिस्सों में स्प्लिट कर लिया। एक हमारी वो पर्सनैलिटी है जो इमाम बारगाह के अंदर है, सेंटर के अंदर है, आशूर और शबे आशूर में है, और एक वो पर्सनैलिटी है जो यहाँ से निकल के बाहर है। अच्छा, क्या निशानी है इस बात की? निशानी इस बात की है कि कम्युनिटी के मेंबर्स के ही अगर डायलॉग को बाहर जाके सुनता हूँ तो वो उससे बिल्कुल डिफरेंट हैं जो इस एनवायरनमेंट के अंदर डायलॉग है। यहाँ डायलॉग कुछ और है, वहाँ डायलॉग कुछ और है। यहाँ प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, वहाँ प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। मेंबरशिप प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, कम्युनिटी की प्रिवेलिंग प्रायोरिटीज़ इस सेंटर के बाहर वो कुछ और हैं। क्यों ऐसा है? उसकी वजह ये कि हम स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार हुए हैं। अब मैं आपसे बात अर्ज करूँगा, अगर आपसे कोई कहे 25-30 कामयाब इंसानों के नाम लिखो मिसाल के तौर पर, उसमें आप मेसम तम्मार का लिखना चाहेंगे या नहीं लिखना चाहेंगे? लिखना चाहेंगे। आप यहां पर उस लिस्ट के अंदर मेसम तम्मार का नाम लिखना चाहेंगे? अच्छा, अब सवाल यह है कि जब मेसम तम्मार, जैसे कि नाम से पता है कि भाई इनका एक काम है, ये खजूर बेचते हैं, ये खजूर बेचते हैं, कूफा में खजूर बेचने वाला है, ये जो खजूर बेचते हैं, जिस टाइम पे ये मेसम तम्मार अपनी शहादत दे रहे थे, जान दे रहे थे अमीर मोमिनीन की मोहब्बत में, वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे थे, उस मौके पर खजूर का बिजनेस चल रहा था या नहीं चल रहा था? सिटी के अंदर, कूफा के अंदर खजूर का बिजनेस था या नहीं था? था, बिल्कुल था। ये मेन ट्रेडर है, इसका बिजनेस कोलैप्स कर गया, इनका मामला ख़त्म हो गया। अब इनका ना बिजनेस है, ना इनकी अर्निंग है, ना इनकी औलाद को उस शहर के अंदर कुछ मिलने वाला है। अच्छा, हमारे स्टैंडर्ड्स में क्या हुआ? इस शहर में इसकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, इसका बिज़नेस ख़त्म हो चुका है, इसकी औलाद को लोग वेलकम नहीं कर रहे हैं।
हमारे स्टैंडर्ड्स में ये कामयाब है, दुनिया के स्टैंडर्ड में ये कामयाब नहीं है। अच्छा क्यों कामयाब नहीं है, इसने क्यों किया अपने साथ ये, इसने एक उसूल के ऊपर ये काम अपने सर पे ले लिया। हमारे हिसाब से नाऊज़ बिल्लाह तब दुनिया के एतबार से इसने एक उसूल के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान करके आज की दुनिया के हिसाब से, बहुत माजरत नाऊज़ बिल्लाह कह रहा हूँ, लोग कहेंगे इसने नाऊज़ बिल्लाह ताला अकलमंदी नहीं दिखाई। अच्छा हमारे यहाँ अकलमंदी क्या है? हमारे यहाँ उसको अकलमंदी कहते हैं जिसको मेसम तम्मार के दौर में अगर अकलमंदी करते तो मुनाफिकत बन जाती, वो मुनाफिकत बन जाती। अब हम में से कौन है जो इन बातों को इस डेप्थ में जाकर रियलाइज करे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करे? ये आएगी नुसरत, ये कॉन्सेप्ट है अहले बैत की नुसरत का। अच्छा ईज़ भी आउट क्या है? आसान रास्ता ये है कि नमाज पढ़ लो, ज़ियारतें पढ़ लो, दुआएं पढ़ लो और उसके बाद कहो भाई ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब जो बाकी है वो मेरी स्प्लिट पर्सनालिटी का दूसरा क्वाइन है, वहाँ पर मैं आज़ाद हूँ, मैं जो करना चाहूँ करता रहूँगा। ऐजान मोहतरम, अगर मेसम तम्मार ने भी ये किया होता तो फिर सूली पर लटकने की क्या ज़रूरत थी? अगर यही स्प्लिट पर्सनैलिटी उन्होंने क्रिएट की होती तो फिर करबला में किसी को आने की क्या ज़रूरत थी? ये वो चैलेंज जो हमारे सामने है। और आखिरी, चूंकि इस सिलसिले की यहाँ पे मजलिस है, मैं आपके सामने दो तीन पॉइंट अर्ज करूँगा। अगर मुझसे कोई ये कहे कि भाई आप स्टूडेंट हैं, आप तालिब इल्म हैं, आप 30-35 साल से दीन को स्टडी कर रहे हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं, आप ये बताइए अगर मैं अपने इमाम का साथ देना चाहूँ तो मैं क्या करूँ? 10 दिन मैंने इसके ऊपर बात की है, लेकिन मैं जाकर बिल्कुल आखिरी पॉइंट्स के ऊपर लाने की कोशिश करूंगा ताकि ये डिस्कशन किसी एक कोने तक पहुंचाया जा सके। अगर कोई कहे मैं अपने साथ क्या करूं कि मैं इमाम का साथ देने के लिए तैयार हो जाऊं, और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूं कि मुझे मालूम है कि दुआएं पढ़नी हैं, मुझे मालूम है कि उसको इबादत करनी चाहिए, जो वाजिबात हैं, जो मुस्ताहबात हैं उसके ऊपर अमल करना चाहिए, उसके अलावा क्या करे कि इसकी ज़िंदगी इसे इमाम ज़माना के नज़दीक ले जाए किसी तरीके से, उनकी ज़ात पे दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाल मोहम्मद मोहम्मद। देखिए एक अजीब रवैया है हम लोगों का। अभी अगर मैं आपको एक काम बताऊँ ना कि रोज़ाना अगर कोई 20 मिनट ये काम कर ले तो उसे इमाम की ज़्यारत हो जाएगी। पता नहीं कितने लोग हैं जो फौरन तैयार हो जाएंगे अपने दिल में कि ये काम तो फौरन कर लेना है। क्यों? 20 मिनट में। अच्छा वो ये नहीं सोच रहा है कि जिसका 1150 साल से इंतज़ार हो रहा है वो क्या वो 20 मिनट की एक्टिविटी का इंतज़ार हो रहा है? ये क्यों नहीं सोचते? ये गैबत और जहूर के दरमियान फासला 20 मिनट है, गैबत और जहूर के दरमियान फासला 20 मिनट नहीं है, कूफा और मेसम तम्मार के बराबर का फासला है। मेसम तम्मार के लिए जहूर है, कूफा के लिए गैबत है, ये फासला इतना बड़ा फासला है। जब इमाम तशरीफ लाएंगे, जो उनका साथ देंगे, जो उनका नहीं साथ देंगे, उसमें फासला दुआए है 6 मिनट की है। ये है तो मैं कहूँगा अगर ये फासला 6 मिनट की दुआ अहद का होता ना तो 1150 साल हमें नहीं लगने थे, फिर ये उससे पहले ख़त्म हो चुका होता मामला। ये कुछ और है। क्या है? एक वाक्य आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, मैं भी तेज़ी से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाल मोहम्मद मोहम्मद। तारीख में नहीं मालूम कितने लोग हैं जिन्होंने इमाम के सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआएं की हैं कि मौला हमें अपना दीदार नसीब फरमा दें। आज भी ऐसे लोगों की कमी यकीनन नहीं होगी जो ये चाहते होंगे कि इमाम का दीदार हो जाए। तो मिसाल के तौर पर किसी ने किसी से पूछा भाई दीदार कैसे करना है, तो उन्होंने कहा कि दीदार करने के लिए फना एक जिक्र है, इस जिक्र को आप 40 दफ़ा सुबह पढ़िए, 40 दफ़ा शाम पढ़िए, 40 दिन तक आप पढ़ेंगे आपको ज़्यारत हो जाएगी। मुश्ताक हो गया क्या भाई ये तो भाई ये तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, मैं इमाम की ज़्यारत कर लूँगा।
फला काम नहीं करना है, फला काम नहीं करना, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है मैं नहीं करूँगा। 40 दिन सुबह पढ़ा, 40 दिन शाम पढ़ा, जिक्र भी मेरे जहन में कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। 40 दफ़ा 40 दफ़ा सुबह 40 दफ़ा शाम 40 दिन तक पढ़ लिया, उसके बाद अब 40वां दिन ख़त्म हो गया। अगले दिन वो पहुँचा, कहा उस्ताद 40 दिन ख़त्म हो गए, ज़्यारत नहीं हुई। कहा नहीं ज़्यारत हो चुकी है। उसने कहा कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि ज़्यारत हुई। कहा तुम कल उस जगह के ऊपर इस तरह गुजरे थे, एक हस्ती तुम्हें नज़र आई थी? हाँ नज़र आई थी, वो इमाम थे। कहा लेकिन मैं तो कुछ पहचान नहीं सका। कहा ये जिक्र देखने का था, पहचानने का ही नहीं है, देख लोगे ज़्यारत हो जाएगी। ज़्यारत हो गई, हो गई, मामला ख़त्म हो गया। अच्छा अब सवाल ये है कि ये ज़्यारत तो बहुत सारे दुश्मनों को भी हुई है। करबला में तमाम दुश्मनों को सईद शुहदा की अगर ज़्यारत का मतलब देखना है तो देखा है उन्होंने। आप देखने की ज़्यारत कहते हैं या मारिफत को ज़्यारत कहते हैं, किसे ज़्यारत कहते हैं? हम मारिफत को ज़्यारत कहते हैं, मारिफत है जो ज़्यारत लाती। मारिफत कैसे आएगी? ज़्यारत तो हो जाएगी, मारिफत कैसे आएगी? मारिफत लानी है। एक और बात का, एक आदमी फिर तड़प रहा है, मौला मुझे आपका साथ देना, आप मुझे मौका नसीब फरमाएं। अच्छा जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, मैं उनकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करूँगा। देखो एक दफ़ा है मसलन हम जिससे कुछ मांग रहे हैं वो हमें ना जानता हो, तो मिसाल के तौर पर मेरा काम किसी से लगा हुआ है, मैं जानता हूँ ये आदमी मेरा काम कर सकता है लेकिन वो मुझे नहीं जानता। अब मैं 4 लोगों से कांटेक्ट करता हूँ कि भाई तुम्हारा इस बंदे के साथ कोई कांटेक्ट है, किसी के पास उसका कोई नंबर हो, कोई जान पहचान हो, तो तुम मुझे इंट्रोड्यूस करवा दो उसके पास। और वो इंट्रोड्यूस करवाता है, फिर वो मेरा कोई काम करता है या नहीं करता है एक अलग मामला है। हम इमामत को कैसे देख रहे हैं? इमामत का अंदाज़ क्या है? इमामत का इल्म कैसा है? अभी कुछ दोस्त हमसे तस्करा कर रहे थे कि भाई कुछ लोग इन मेजर फंडामेंटल अकायद के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको आप जब भी मौका मिले अच्छी तरह इसके ऊपर स्टडीज़ करें, इसके ऊपर आर्गुमेंट्स डेवलप करें, अपने आप से स्टडी करते हुए कन्विंस करने की कोशिश करें, पूछें अपने आप से आपका अकीदा क्या है, इमाम जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर कोई वाकयान इमामत को पहचानता हो, इमामत के मनसब मर्तबे को पहचानता हो, इल्म का इनकार कर ही नहीं सकता। जामे इल्म के बगैर इमामत का मनसब मुमकिन ही नहीं है। इल्म होने का मतलब क्या है? इल्म होने का मतलब ये कि जो मैं और आप यहाँ बैठे हैं ये भी इल्म इमामत में है, ये भी खतन है। भाई ये जो अभी मैं और आप सईद शहदा का जिक्र कर रहे हैं और उनकी औलाद का जिक्र कर रहे हैं, उनके मसाइब के ऊपर गिरिया करेंगे, ये इमामत को इल्म है या नहीं है? है, इल्म है, ये इल्म यकीनी है। अच्छा इस यकीनी इल्म के साथ अगर मैं वाकई डिज़र्व करता हूँ कि इमाम की खिदमत में पहुँचूँ तो वो मुझे मौका नसीब करेंगे या नहीं करेंगे? तो जितना मैं और आप इस बात के ऊपर कोशिश कर रहे हैं ना कि हम इमामत की अटेंशन को लें ताकि वो हमें मौका दें, मैं कहूँगा तुम गलत समझ रहे हो कि उनके पास नाऊज़ बिल्ला उन तक मुझे रिपोर्ट पहुँचानी है कि मैं काबिल हो गया हूँ। नहीं, तुम्हें उन्हें रिपोर्ट नहीं पहुँचानी है, तुम्हें अपने आप को काबिल करना है। वो तो खुद पहचानते हैं, वो तो खुद पहचानते हैं। और मौका ना शेर पढ़ने का है ना शायरी करने का है, लेकिन फ़कत इतना सा वो जो बयान करते हैं फारसी के अंदर एक शायर का कि भाई वो कहता है कि अपनी प्यास को बढ़ाओ, पानी पिलाने वाला प्यासे को पहचानता है। अपनी प्यास बढ़ाओ, जो पानी पिलाने वाला है वो प्यासे को जानता है। चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं प्यासा हूँ, प्यास बढ़ाओ, प्यास बढ़ाओ, यानी अपनी एलिजिबिलिटी को बताओ, बेहतर बनाओ, खुद ब खुद इमाम का दीदार होगा, खुद ब खुद इमाम की तरफ से नुसरत नसीब होगी। कैसे होगा? मसलन स्टैंडर्ड्स क्या हैं, रुकावटें क्या हैं? अब कोई आदमी मुझसे पूछे बिल्कुल चलो प्रिसाइसली बताओ क्या करना है, मैं 2 बातें कहूँगा उससे। एक आदमी बहुत तड़पता है इमाम का दीदार हो जाए, इमाम की नुसरत का मौका मिल जाए,
उसे कोई बताता है कि तुम जाओ फलां शहर के अंदर, फलां एक आदमी मार्केट के अंदर रहता है, पता नहीं कितनी दफ़ा आपने सुना होगा, फलां मार्केट के अंदर एक आदमी है वो लॉक्स सही करता है, जाके उससे मिलो। वो जाता है उस मार्केट के अंदर, ढूंढता है, वो एक बूढ़ा आदमी है, वो लॉक सही करता है, वो बराबर में खड़ा हो जाता है, देखता है एक खातून आई है उसके पास लॉक बेचने के लिए, वो लॉक सही करता है। पूछा कि ये तुम कितने में ख़रीदोगे? मसलन ऐसे ही मैं करेंसी को भी चेंज कर रहा हूँ, यूनिट्स को भी चेंज कर रहा हूँ, नंबर्स को भी चेंज कर रहा हूँ। मसलन उसने कहा कि भाई ये जो लॉक है ये ख़राब है, इसको सही करने का 1 रुपया लगेगा, आप कुछ कुछ भी बोल दो, इसका 1 लगेगा। अगर आप इसको ऐसे ही ख़राब बेचोगे तो मैं 4 में ख़रीदूँगा, सही। अगर आप इसको सही करा लो मैं 5 में ख़रीदूँगा। अगर आपने मुझे ख़राब बेचा है तो मैं 4 में ख़रीदूँगा, अगर आप इसको सही करा के ले आओ मैं 5 में ले लूँगा। तो उसने कहा कि देखो मैं सारी मार्केट में दिखाया था, कोई इसको 3 में भी नहीं ले रहा था, हैं, तुमने डायरेक्ट 4 की ऑफ़र कर दी, ठीक है। तो तुम ऐसा करो, मुझे तो 3 भी कोई नहीं दे रहा था, मैं तुमको ये लॉक देती हूँ, 3 मुझे दो, मामला ख़त्म, 1 तुम और कमा लो ऊपर से। उसने कहा कि देखो 4 में देना है तो दो, वरना जाओ। 4 में देना है, 4 में देना है तो दो, एक सिक्का कम नहीं, 4 में लूँगा, 3 में नहीं लूँगा, 4 में लूँगा, 4 में देना है दो वरना जाओ। उसने दुआएं दी, देने चलो ठीक है 4 दो, 4 लिए, चली गई। तो ये आदमी देख रहा था कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, इसने वाकया देखा, थोड़ी देर में इसने एहसास किया जैसे इमाम पीछे आ गए, और इमाम ने आकर कहा कि तुम इतने अमानतदार बनो तो हम तुम्हारे पास भी आएंगे, इतने ऑनेस्ट बनो। अच्छा, ये आपकी कम्युनिटी है, आप यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, आप यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेरी तरह, मैं भी ये कह रहा हूँ मुझे इमाम की नुसरत करनी है, आप भी यही कह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? ईमानदार बनो। ताकतवर के सामने तो सब सीधे चलते हैं भाई। यहाँ पे मिसाल के तौर पर एक कोई इदारा है जो फौरन कोई ज़रा सा भी काम गलती करेगा वो पकड़ लेगा। अब यहाँ पे आप सीधे चल रहे हैं तो आप कह रहे हैं देखिए मौलाना हम लोग कितने अच्छे लोग हैं, हम सारे काम सही करते हैं, इस रेगुलेशनरी बॉडी को उठाओ फिर मैं पूछता हूँ, इसको उठाओ ज़रा यहाँ पे। ताकत के बल पे तो जालिम भी सही चलता है। जो अमानतदारी हमसे चाहिए, ईमानदारी हमसे चाहिए, वो ये नहीं चाहिए कि कोई ताकत सर के ऊपर चल रही है। क्यों? वो तो हिसाब किताब नफा नुकसान का है कि भाई अगर मैं यहाँ 2 रुपए कमाने के लिए डंडी मारूंगा 4 रुपए का नुकसान हो जाएगा, फाइन मार देगा वो, 4 का नहीं बल्कि 400 का भी शायद कर दे, तो इसके खातिर मैं क्यों 2 रुपए की डंडी मारूं? नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है। कब बात हो रही है? बात उस वक्त हो रही है जब तुम्हें और खुदा के सिवा किसी को नहीं पता कि तुम कर क्या रहे हो। ये बात वहां की हो रही है, बात वहां की हो रही है। कोई कंपल्सन करने वाला नहीं है आपके ऊपर, आप हैं और आपका नफ्स है, आप हैं और आपका खुदा है, आप हैं आपका इमाम है, आप बताओ क्या किया। अब कितने अमानतदार हैं? जो भी अपने ऊपर मेहनत करना चाहता है ताकि इमाम का साथ दे, मैं उसे कहूंगा 2 काम कर लो जिंदगी आसान। अलबत्त जिंदगी आसान इमाम के सामने, बाकी तो मुश्किल ही मुश्किल हो। एक बात क्या है, नंबर 1 अमानतदार बनो, चाहे कमज़ोर हो चाहे बेखबर हो धोखा मत दो, चाहे कमज़ोर चाहे बेखबर। जो पहले से जानता है उसे आप क्या धोखा दोगे? जो पहले से ताकतवर है उसके सामने तो तुम वैसे ही सीधे बन जाओगे, मैं और तुम सब सीधे बन जाएंगे। जो बेखबर है और जो कमज़ोर है उसके सामने अमानतदारी दिखाओ, उसके सामने अमानतदारी दिखाओ। एक बात, दूसरी एक और बात समझ में। अब ये इसके ऊपर मैं मज़ीद इम्फेसिस नहीं करूँगा, टाइम बहुत कम है, इसको मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया, ये स्टैंडर्ड है। अगर कोई शख्स इसके ऊपर मेहनत करे कि मैं अमानतदार बनूँगा, कमज़ोर और बेखबर के सामने भी उसी तरह काम करूँगा जैसे कोई बहुत ताकतवर है और सब कुछ जानता है, अगर कोई इस लेवल के ऊपर आ जाए इसका मतलब है इसने खुदा की वजूद को कबूल कर लिया है, इसने खुदा को प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कर लिया है कि नहनु अक़रबु इलैही मिन हब्लिल वरीद, इसने मान लिया। ये जो खुदा का ईमान है ये इस इंसान को कहीं से कहीं ले जाएगा।
और मैंने आपकी खिदमत में चैलेंज के तौर पर अर्ज कर दिया, जो भी हमारे सामने कहना चाह रहा है, मैं इमाम की नुसरत करना चाह रहा हूँ, मेरे जैसा इंसान भी मसलन बोलता चाह रहा है, आपके सामने भी इसलिए कहता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे और मेरे नफ्स के ऊपर भी गिरफ्त रहे कि भाई तुमने सबके सामने बोला था, वो क्या करो, बेखबर और कमज़ोर इसके सामने अमानतदार बन जाओ। अगर कोई ये काम करेगा खुद ब खुद इमाम के रास्ते पे जाएगा, खुद ब खुद इमाम के रास्ते पे जाएगा, बहुत सारी चीज़ें उसकी सही होना शुरू हो जाएंगी। एक ये काम कर ले, एक मार्का और है, अगर वो भी कर ले, ये इंसान कुछ और इंसान है, ये इंसान ही कुछ और इंसान है। अर्ज़ करूँगा दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इल्म अखलाक के अंदर हमारी आम बोलचाल के अंदर हम लोग एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं सच। एक होता है सच या सच्चाई, सही, एक सच्चाई से ही एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ एक और वर्ड है, गर्चे उसी मीनिंग में आ सकता है, उसको हम कहते हैं सदाकत, वही मीनिंग आ जाएगा सच्चाई, लेकिन थोड़ी सी एक डेप्थ है, थोड़ी सी एक डेप्थ है। वो क्या, थोड़ा सा स्टेजेस में देखते हैं। एक आदमी सच्चा है, सच्चे का मतलब क्या है, झूठ नहीं बोलता। अच्छा ठीक है, झूठ तो नहीं बोलता, तोरिए करता है, हाँ ये ड्रामे करता है, तोरिए करता, कह रहा है कि मैं सच्चा हूं। सच्चे का मतलब क्या है, सच बोलता है, लेकिन सच को इतना ट्विस्टेड बोलता है कि अपना काम निकाल लेता है, सही है। इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। नंबर एक, इसके अंदर और बाहर में फर्क है, अंदर और बाहर में फर्क है। ये जो अंदर और बाहर का फर्क है, इल्म अखलाक में इसको मुनाफिकत कहते हैं, इल्म अखलाक में इसको मुनाफिकत कहते हैं। अच्छा, ये सच तो है लेकिन सदाकत नहीं है। ये सच है जाहिरी तौर पर, सच बोलता है लेकिन ट्विस्टेड सच बोलता है, घुमा फिरा के सच बोलता है, खुद कुछ समझ रहा होता है, सामने वाले को प्रिटेंड कुछ और करता है। इसके अंदर सच है भी, तब भी इसके अंदर सदाकत नहीं है। क्यों, इसके अंदर सदाकत के बिल्कुल अपोजिट, ये ऊपर से कुछ और दिखा रहा है, अंदर से कुछ और कर रहा है। एक बात, दूसरा एक और मसला है, इसके अंदर दूसरे इंसान के लिए हमदर्दी है, अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है, दूसरे को हत्ता नुकसान पहुंचा रहा है, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, मुमकिन है कि सच ही बोल रहा है, ये भी सदाकत के खिलाफ है। बस अब मैं अर्ज कर रहा हूं, दूसरा, दूसरी सिफत जो मुझे और आपको चाहिए वो क्या है, सदाकत। सदाकत का मतलब क्या है, नंबर एक, अंदर और बाहर को एक कर लो, पहले तो जबान का सच हो, जबान पे झूठ नहीं हो। नंबर दो, अंदर और बाहर एक कर लो। नंबर तीन, दूसरे के लिए बुरा मत सोचो, दूसरे तक अच्छाई पहुंचाने की सोच लो। जब भी किसी से मिलें ये सोचें, मैं इसे क्या दे सकता हूं, अच्छा क्या दे सकता हूं। हम लोगों के सारे बिजनेसेस उल्टे पे बने हैं, उल्टे पे बने, और वो किस पे बने, वो ये कि एक दफा फंस तो जाए और अब मुनाफिकत में वो जगह आ गई है कि मेरा जैसा आदमी मसलन ये कहेगा, मेरा चेहरा देख के फंसे तो सही पहले, ये देख कर के मोमिन है आए तो सही, ये देख के कि अहले बैत का मानने वाला है आए तो सही, झूठ नहीं बोलूंगा बाकी सब कर दूंगा मैं। हम दीन को धोखा नहीं दे सकेंगे, ये खुदा का निज़ाम धोखे में नहीं आएगा हमारे। अगर हमें वाकई दीन की हकीकत तक पहुंचना है, वाकई इमामत की नुसरत तक पहुंचना है, मैं गारंटी से अर्ज कर रहा हूं इसके बगैर काम नहीं चलेगा। उसके बाद मैं और आप जो करना चाहें, मिसाल के तौर पर कोई कहे मैं इतने अमल करता हूं, इतनी ज़ियारतें पढ़ रहा हूं, इतना ये कर रहा हूं, इतना वो कर रहा हूं, असर नहीं होगा जो हम लेना चाह रहे हैं। क्यों, ये बुनियाद है दीन की, दीन की बुनियाद सच्चाई के ऊपर है।
کونو مع الصادقین اور اس جیسی آیات کریمہ روایت، یہ سب اس کے اوپر بنی ہوئی ہیں. امامت کی نصرت ان لوگوں نے کی ہے کہ جن کے اندر یہ کوالٹیز پائی گئیں. بس آج میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا اضافہ کیا اور چند جملے اور بڑھاؤں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں. وہ یہ کہ نمبر ایک، آپ کی اور میری امانت داری ٹاپ کلاس پر ہوں، اور یہ جو امانت داری میں اور آپ ایمانداری دکھائیں، یہ ایمانداری طاقتوروں اور باخبر لوگوں کے سامنے نہیں ہے صرف، بلکہ یہ بے خبر اور کمزور کے سامنے بھی. اس کے سامنے زیادہ احتیاط کریں. اس کے ساتھ آپ نے اور میں نے کیا ایمانداری دکھائی جس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا. اور اگر آپ میں آپ کی مثالیں دینا شروع کر دوں تو وہ تو خیر بزنس پلان سامنے آ جائیں گے بہت سارے، اس کو تو چھوڑ ہی دیں پھر. اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ آپ اور میں دوسرے کی بھلائی سوچیں صرف، برائی نہ سوچیں، دوسرے کا فائدہ سوچیں. اگر یہ دو کام میں نے اور آپ نے کر لیے، ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے اس اگر یہ کر لیں گے تو ہمارا بزنس خوب فلورش کرے گا، تو میں کہوں گا شاید کرے گا، اور اگر خدا نے تمہیں اگلے لیول کے لیے ایکسیپٹ کر لیا تو شاید نقصان بھی ہوگا. کیوں؟ یہ میں نے تجربے سے دیکھا ہے کہ جس کو خدا اگلے لیول کے لیے ایکسیپٹ کرتا ہے اس نے بہت سختیاں اٹھائی ہیں. یہ آپ کا چوائس ہے. آپ نے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو کامیاب ثابت کرنا ہے، یا آپ نے اصل میں سوچا ہے کہ میں اس دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب ثابت کروں گا. عرض کر رہا ہوں، کل بھی روایت عرض کی تھی، اگر آخرت پہ توجہ دے گے دنیا بھی مل جائے گی. کل بھی عرض کی آپ کی خدمت میں، لیکن میں ابھی یہ بات نہیں کروں گا. میں کہوں گا تھوڑا اوپر آ جاؤ، دنیا قربان کرنے کی سوچ لو. کس کی طرح؟ حضرت میسم تمار کی طرح. کھجور کا بزنس ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا. ہو گیا. کامیاب تھے یا نہیں تھے؟ یہ چیلنج ہے. چیلنج یہاں پر ہے. اگر کوئی اس کام کو کرے گا، امامت کی توجہ نصیب ہو جائے گی، ان کے راستے پہ آگے بڑھے گا. تو سمری بالکل کرتے ہوئے، تین پوائنٹس ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر فوراً چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. نمبر ایک کنٹرول چاہیے. کنٹرول کے بغیر کام نہیں ہوگا. اپنی لائف کے اوپر ایک خاص کنٹرول، اس کنٹرول کے ساتھ ایک کیلکولیشن. وہ کیلکولیشن کیا ہے؟ میرے کیریکٹر میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے امام سے نزدیک لے جا سکتی ہیں. ہم لوگ بعض اوقات کچھ چیزیں کہہ دیتے ہیں، سید الشہداء کے فرش اعضا کے صدقے میں لوگ اسے مان لیتے ہیں، دل پہ اثر ہو جاتا ہے. میں جا کے باہر بولوں گا نا، اثر نہیں ہوگا. یہاں پہ امام حسین کے ذکر کی وجہ سے اثر ہو جاتا ہے. تو میں ان سے عرض کروں گا، بار بار ایک کیلکولیشن کرتے رہو، بار بار، میں اور آپ ہمیشہ کرتے رہیں. وہ کیا؟ ہمارے کیریکٹر میں کون سا پوائنٹ ہے جو ہمیں امام سے روک سکتا ہے، اسے ریموو کرو. چھوٹی چھوٹی ایفرٹس بعض اوقات بہت بڑے بڑے مقام دے دیتی ہیں. چھوٹی چھوٹی ایفرٹس. دیکھیے، ان دس دنوں کے اندر میں نے چھوٹے چھوٹے بہت سارے پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. مجھے 30-35 سال ہو گئے اس طالب علمی کے اندر، میں نے کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ شیئر کیے. نماز کے بارے میں شیئر کیا، تسبیح کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. اسی طریقے سے زندگی کے اندر کیسے کیلکولیشن کی جائے، کیسے کنٹرول کیا جائے، آپ کی خدمت میں عرض کیا. نماز کے سلسلے میں صرف ایک پوائنٹ اور عرض کروں گا، اچانک میرے ذہن میں آ گیا، وہ یہ کہ جب بھی آپ نیت کرنے لگیں دو تین کام کر لیں. نمبر ایک دفعہ استغفار کر لیں. دو نمازوں کے درمیان گناہ کیے ہوں گے، فجر کی نماز پڑھی، اب ظہر کی نماز، چند گھنٹے گزرے ہیں، کچھ گناہ ہو گئے ہوں گے، استغفار کر لیں. نمبر دو، آیت اللہ بہجت فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ امام زمانہ کو مدد کے لیے بلاؤ. یہ وہ جگہ ہیں جہاں ہمیں بہت زیادہ مدد چاہیے. ہمیں ان کی ہر جگہ مدد چاہیے. ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد چاہیے. ایک تیسرا چھوٹا سا کام اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. نماز پڑھنا ہے نا، آپ نے کہنا ہے قربتاً اللہ. جہاں کہیں قربتاً اللہ کہنا ہے، وہاں میننگ سوچیے گا، قربت کا مطلب کیا تھا؟ اور قربت کا مطلب میں نے آپ سے کہا تھا کہ خدا کی جو صفاتیں ہیں وہ میرے اندر بڑھ جائیں. تو جب بھی آپ کہنے لگیں قربتاً اللہ، اس کانسیپٹ کو سوچ لیجیے گا، خدا جو دو رکعت نماز پڑھ رہا ہوں وہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میری کوالٹیز تیری کوالٹیز کے نزدیک آ جائیں. یہ آپ ہر روز کریں، ہر قربتاً اللہ پہ کریں.
फ़ायदा क्या होगा? आपको याद आएगा नमाज पढ़ क्यों रहा हूँ। ये तीन काम करें हर नमाज के साथ, तो छोटे छोटे पॉइंट से मैं और आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, और इंशाल्लाह खुदावंद मुताल इसमें हमारी नुसरत फरमाएगा इंशाल्लाह। बस एक थोड़ा सा कंट्रोल, दूसरी बात कैलकुलेशन, हिसाब किताब, थोड़ा थोड़ा हिसाब किताब। क्या थोड़ा हिसाब किताब? ये कि सितंबर 2018 के अंदर मुहर्रम के अशरे में शिरकत की थी मैंने, ये सब चीज़ें सीखी थी। सितंबर 2019 तक पहुँचते पहुँचते क्या कर रहा हूँ, कितना इमाम के नज़दीक हुआ, थोड़ा हिसाब किताब। आखिरी बात इमाम से राबता। कोई तो वक्त हो जब हम इमाम को हाजिर समझते हों, हमेशा गायब समझते हैं, हमेशा गायब समझते हैं, जबकि वो गायब नहीं है, हम गाफिल हैं, हमें मालूम है वो गायब नहीं है, हम गाफिल हैं। जैसे उस आदमी का वाक़या हुआ ना कि उसने 40 दफ़ा जिक्र किया, इमाम की ज़ियारत भी नसीब हो गई, लेकिन गाफिल। हमारे पास रिवायत मौजूद है, ऐसा होगा जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे बहुत सारे लोग कहेंगे हमने इन्हें देखा है, लेकिन कैसे देखा था? गफलत में देखा था। बस हकीकत यह है कि वो गायब नहीं है, हम लोग गाफिल हैं। तो आप और मैं क्या करें, अपने राबते को उनके साथ बढ़ा दें। अच्छा, प्रैक्टिकली राबता कैसे बढ़ाएं? बिल्कुल ये सोचो कि आपके साथ हैं, क्या करना चाहोगे इमाम की खिदमत के लिए, जो करना चाहोगे करो, कोई अच्छा काम करना चाहोगे, कोई दुआ पढ़ना चाहोगे, इमाम को कुछ सलाम करना चाहोगे। इतने पॉइंट्स अर्ज कर चुका हूँ, सोचता हूँ पता नहीं आप लोगों के जहनों में रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन मैं एक और पॉइंट अर्ज कर देता हूँ, आप जब भी ज़ियारत पढ़ें, जब भी ज़ियारत पढ़ें, अच्छा ये वो काम है जो हम लोग हर रोज़ करते हैं, इसके लिए कोई मसलन हज पर जाऊँगा तो करूँगा, सब लोग ये सोचते रहते हैं मैं हज पर जाऊँगा तो ये करूँगा। अब भाई खुदा यहाँ पर भी है, खुदा यहाँ पर भी है, हज पे ही थोड़ी है, वहाँ पर, वहाँ तो है ही है, बैतुल्लाह है, सब कुछ है, नहीं तुम यहाँ पर भी हो, खुदा यहाँ पर भी है, यहीं पे कर लो, वहाँ पर भी कर लेना, आप ज़ियारत पढ़ें ना, एक छोटा सा काम कर लें। जब भी ज़ियारत पढ़ें, जिसकी किसी भी ज़ियारत पढ़ें, कोई भी मासूम की ज़ियारत पढ़ें, आप ये सोचें मासूम सामने खड़े हैं, ये सोचें वो मासूम सामने खड़े हैं, आपकी मेरी ज़ियारत ज़िंदा ज़ियारत हो जाएगी, ये गैबत का फासला कम होना शुरू हो जाएगा, क्यों? इमाम आपके दिल से नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे। आप अब अगली दफ़ा जब भी आप कहने ना इमाम का नाम लेके, अस्सलाम अलैका मसलन इमाम का नाम लेके, ये सोचेगा इमाम सामने खड़े, आप कैसे सलाम करते, इमाम तशरीफ़ लाएंगे आप सलाम करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप क्यों दूर समझ रहे हैं? इसमें अकीदे की कौन सी मुश्किल है? सब जाते हैं मौला आठवें इमाम की ज़ियारत पे, वहाँ पे जुमला कहते हैं मौला मैं आपको सलाम कर रहा हूँ और मेरा अकीदा है कि आप मेरा सलाम सुन रहे हैं और मेरे सलाम का जवाब दे रहे हैं, मेरे कानों के ऊपर इतने पर्दे हैं कि मैं आपका जवाब नहीं सुन रहा हूँ। ये सब ज़ियारत में पढ़ते हैं, ये सिर्फ मौला आठवें इमाम की हस्ती नहीं है, ये सबके साथ ऐसा ही है, ये सब सुन रहे हैं और सब जवाब दे रहे हैं, हम लोगों ने तैयारी नहीं किया। आपको ये देखना है आपकी नमाज अच्छी है या आपकी नमाज डिस्ट्रैक्टेड है, एक स्टैंडर्ड। नमाज का बिल्कुल आखिरी हिस्सा कौन सा है? सलाम। वो सलाम किसके ऊपर सलाम से शुरू होता है? नबी खुदा पर। देखिएगा इसमें आपका जहन कहाँ है। नमाज के आखिर में आते आते आपने सलाम करना है नबी को। एक अगर ये सलाम आपने तवज्जो से किया है, छोटी सी एक निशानी है कि नमाज सही चल गई है, और अगर इस सलाम में आउट ऑफ माइंड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये नमाज गई, पढ़ तो ली है काम नहीं हुआ। अगर नमाज में काम सही होता ना तो नबी को सलाम सही करता, स्टैंडर्ड बना लें। आपकी ज़िंदगी देखिए फिर कैसे मजे से चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने मुताल ने हमें, मैं बार बार सोचता हूँ खुदा ने क्यों हमें आने दिया, सैयद शुहदा के गम में रोना नसीब किया। जब पूरी दुनिया में कोई इमाम के गम में नहीं रो रहा था तो क्या रोने वाले नहीं थे?
हमें पास रिवायत मौजूद है कि सैयदुश्शोहदा की शहादत पर शाम तक ये आलम था कि पत्थरों के नीचे से खून आ रहा था। नफसुल महमूम में है रिवायत, नफसुल महमूम में रिवायत। बीबी ने जो खुतबा इरशाद फरमाया कूफा में, उसमें एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया, खुतबा मौजूद है ऑथेंटिक, उस लहजे में कि जो सिर्फ अमीर मोमिनीन और बीबी का लहजा है। उसमें फरमाया अब ताज्जुब कर रहे हो कि आसमान खून की बारिश बरसा रहा है, इसका मतलब क्या है? कोई नहीं भी रोया ना तो खुदा ने इमाम हुसैन के गम में आसमान को भी रुलाना है, वो रुलाएगा। ये खुदा ने मुताल ने हमें शहादत दे दी, मौका नसीब कर दिया। शब आशूर के जैसे मौके के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का, उसने हमें अपनी ज़िंदगियों से निकाला, इमाम हुसैन की मोहब्बत में एक जगह ला के बिठा दिया कि हम क्या करें, अपने दिलों को इमाम हुसैन से नज़दीक लिया है। इमाम हुसैन कौन है? इमाम हुसैन साहिब कौसर। ये कौसर सिर्फ आखिरत में नहीं है, गोया ये कौसर दुनिया में भी है। अगर कोई इमाम हुसैन के साथ अपने सच्चे दिल को जोड़ता है, वो हुसैन की कौसर यहां बहना शुरू हो जाती है, इमाम हुसैन का गम सरायत करना शुरू कर देता है। ऐसो शबे आशूर है, और हम जो अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, हम और आप जानते हैं कि आशूर और शबे आशूर के लिए तरीक़ेकार हमारे बुज़ुर्गों ने, उलमा ने हमारे सामने बयान किया है। कुछ सकाफ़ती चीज़ें, कुछ कल्चरल हैं, कुछ दूसरे कल्चर्स के अंदर हैं, कहीं पे हैं कहीं पे नहीं हैं, कुछ चीज़ें इस्लाम के आदाब में हैं। कम से कम अगर कल्चरल ही लें तो हम और आपकी कल्चर में है कि हमारे बुज़ुर्ग इस तरह कहते थे शब आशूर, रोज़ आशूर, बच्चों को मत चूमो, बच्चों को मत चूमो, इस तरह कहते थे हम लोग। मिसाल के तौर पर क्यों? तो कहते थे इमाम हुसैन के यतीमों से शर्म आती है, इमाम हुसैन के बच्चों से शर्म आती है, इमाम हुसैन के खानदान को जो मुसीबतें शब आशूर में गुजरी हैं, जिन मसाइब से शब आशूर में ये ख़ानदान अजीम गुजरा है, ऐसा हम लोग दायरे की उन चीज़ों को दर्क नहीं कर पाएंगे। हम लोगों का फ़र्क बहुत ज़्यादा है, फासला बहुत ज़्यादा है, कैफियत बहुत अजीब है जो वहाँ पे रही होगी, लेकिन हम सिर्फ कुछ रिवायात के ज़रिए से उस हालत को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये शब मौजज़ों की शब है, ये शब मौजज़ों की शब है, ये शब इम्तिहानों की शब है, आजमाइशों की शब है, और इंसानों के कमाल पर पहुंचने की शब है। और इस शब के अंदर वो मौका आता है, एक मौके के ऊपर जब सैयदुश्शोहदा तमाम असहाब को जमा करते हैं, और जमा करने के बाद इरशाद फरमाते हैं कि देखो ये दुश्मन मेरे पीछे है, ये मुझे मारना चाहता है, तुम में से जो जाना चाहता है वो चला जाए। सैयदुश्शोहदा हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद ये जुमला पहले भी कह चुके थे कि मैंने बैत तुम लोगों पर से उठा ली है, मेरी बैत का कोई दबाव तुम्हारे ऊपर नहीं है, जिसने जाना है वो चला जाए। सैयदुश्शोहदा ने इस जुमले को दोहराया, एक जुमला और बढ़ा दिया, और कहा कि देखो अगर कोई ये समझ रहा है कि यहाँ पर जाने से जन्नत से महरूम होगा, तो मैं जवाना ने जन्नत का सरदार, मेरे नाना ने मुझे ये मनसब दिया, तुम सब जानते हो, मैं तुम्हें जमानत देता हूं कि मैं तुम्हारी जन्नतों को दूर नहीं होने दूंगा। या अल्लाह, मोहब्बत और हमदर्दी का ये इजहार कितना अजीब इजहार होगा। ऐसे तो 1400 साल के बाद मैं और आप सुन के रोए हैं, जरा सोचना हबीब इब्ने मज़ाहिर कितना रोए होंगे।
खुदा है कितना करीम इमाम है, कितना चाहने वाला इमाम है, मुश्किलों से दूर करना चाहता है, जाने वालों को कोई एक लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, उसके बाद उनकी जन्नतों की जमानतें भी दे रहा है। और उसके बाद एक और जुमला कहा, देखो अगर तुम्हें शक है ना कि हम बाहर जाएंगे लोग हमारी सरजनिश करेंगे, तो इन बच्चों में से किसी एक को पकड़ के ले जाओ और कहना मैं बच्चों को बचा के लाया। बहाना भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अगर मुश्किल में पड़ो तो दुनिया को बताने के लिए तुम्हारे पास एक लफ्ज होगा, कह देना कि हम बच्चों को लेकर आए हैं। चिराग बुझा दिया ताकि अगर कोई शर्म की वजह से नहीं जाना चाहता तो अंधेरे में चला जाए। उसके बाद जो चिराग जलाया तो अजीब मंजर देखा, तमाम असहाब सर झुका के रो रहे। ये साहब क्यों रो रहे हैं? ये अपने इमाम की मजलूमियत पे रो रहे हैं। क्या हमारे इमाम पे कैसा वक्त आया, हम इतने से रह गए, अपने ऊपर ने अपने इमाम की मजलूमियत पे रो रहे हैं। जैसे ही चिराग बुझा, चिराग दोबारा जलाया, शहीद शहदा ने अपने असहाब के चेहरों की तरफ देखा, एक खड़ा हुआ और एक खड़े हुए, उन्होंने कहा मौला मैं दुनिया की कोई परवाह नहीं करता, मुझे सिर्फ इसकी परवाह है मैं आपकी मां को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये बता रहे हम अहले दुनिया नहीं है, हम अहले आखरत है, हमें आखरत में आपकी वालदा के सामने पहुंचना है। मैं आपकी वालदा को क्या चेहरा दिखाऊंगा। और एक और खड़े हुए और उन्होंने कहा कि है इमाम, कल हमारी इनसे जंग होगी, ये हमारे ऊपर शमशीरें चलाएंगे, हमारे जिस्म कटेंगे, हम जमीन पे गिरेंगे और मर जाएंगे, मौला अगर ये एक दफा नहीं हजार दफा भी हुआ तो आपके साथ हूं। एक मौत क्या है, हजार दफा ऐसी मौत उठानी पड़ी आपके साथ हूं, मैं आपका साथ छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। असहाब बावफा को दुआएं दी इमाम ने। अजीज शब आशूर में बहुत मनाजिर है, मैं आपकी खिदमत में सब अर्ज नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाते हुए आए। आज आशूर के दिन मौत पहुंचता है और फिर वो अजीम शान निदा आती है। कौन सी निदा? लुबनान के आलिम दीन नसरुल्लाह कहते हैं, अगर तुम्हें हुसैनियत समझना है ना तो उस मंजर को देखो जब हुसैन करबला में अकेला खड़ा है, हजारों के लश्कर के सामने तने तना खड़ा है, आजम और इरादे के साथ खड़ा है और पूरी दुनिया को ललकार कर कहता है मैं सर नहीं झुकाऊंगा। इन खाना दीनो मोहम्मद लम यस्तकिम इल्ला बिक़त्ली फया सयूफ खुदीनी, अगर दीने मोहम्मद की बका मेरे कटने पर है तो शमशीरो आओ और मुझे काटो। मैं हुसैन इब्ने अली दीन के लिए इकामत दिखाऊंगा। वो मरहला आ गया, सैयद शहदा मैदान जंग के अंदर निदा फरमाई, हल मिन नासरी अंसुरना। इस अरबी जुमले का एक तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, और वो जुमला जो अजीब जुमला है वो फहमारा है, है कोई गैरतमंद जो मेरे खेमों को बचाए। है कोई जो खेमों को बचाए। सैयद शहदा ने जब ये निदा दी तो खवातीन के खेमों से बुका गिरिया की आवाजें बुलंद होना शुरू हुई। सैयद शहदा गोया खवातीन के खेमे के सामने आए और फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अली अल अज़ीम, ताकि खवातीन को एहसास रहे कि अभी हुसैन जिंदा हैं, इमाम हुसैन का साया बाकी है। जब ये निदा उठी तो अजीज हुसैन की फौज का आखिरी मुजाहिद मैदान में आने के लिए तड़पना शुरू हो गया।
जब इमाम का लश्कर मदीने से चला था तो बहुत सारे सिपाहियों को सब ने देखा था कि इसमें अली अकबर हैं, इसमें कासिम हैं, इसमें अब्बास हैं, लेकिन तकरीबन कतअन किसी ने नहीं देखा कि इसमें एक और मुजाहिद भी है। उस वक्त उसकी सिन मुबारक इतना कम है कि किसी ने उसको मुजाहिद शुमार ही नहीं किया। लेकिन अजीजो ये हुसैन का वो मासूम मुजाहिद है जो तमाम शहादतों पर मासूमियत की सनद लगाने के लिए आया है। ये सनद लगाएगा अपने मासूम खून से कि ये सारा काम इस्मत के काम पर हुआ। और अब जो इमाम हुसैन खेमे के सामने आए, बच्चे ने तड़पना शुरू कर दिया, गिरिया की आवाज़ें आना शुरू हुई। इमाम हुसैन खेमे के सामने आए और कहा, बच्चे को मुझे दो, शायद पानी का कोई बंदोबस्त हो। अजी तो एक अजीब मरहला आया, सुबह से अब तक माओ ने बच्चे भेजे थे और जिस माँ ने बच्चा भेजा था उसको पता था कि बच्चा वापस नहीं आएगा। अब बारी उमर बाप की है और बच्चा 6 माह का है। अब बारी 6 माह की है। अरे कासिम का भी कुछ सिन है लेकिन ये तो सिर्फ 6 माह का है। इमाम जमाना ने ज़ियारत नाहिया में इस बच्चे का तारुफ करवाया, अतिफ़लो ज़री, ये दूध पीता बच्चा है। अलमर्मी, इमाम ने तारुफ करवा दिया बच्चे का और बीबी ने सब्र और तहम्मुल के साथ अपना बच्चा इमाम हुसैन के हवाले कर दिया। सैयदुल शुहदा बच्चे को लेकर मैदान करबला के अंदर आ गए। अजीजो नहीं मालूम क्या कुछ हो रहा होगा, ऊपर फरिश्तों में भी कोहराम बपा हुआ होगा कि खुदाया तूने इब्राहिम से भी जो कुर्बानी दिलवाई थी तो माँ को इतना दूर किया था। इब्राहिम की आंखों में पट्टियां बंधवाई थी, इस्माइल को बंधवा दिया था कि बाप बच्चे के तड़पने को एहसास ना करे। ऐ खुदाया, ना हुसैन की आंखों पे पट्टी, ना अली असगर का जिस्म बंधा, और मां भी देख रही है। इमाम ने मजलूमियत की हुज्जत पूरी कर दी, अली असगर को धातों पे बुलंद किया और कहा, इन लम तरहमूनी, अगर मुझ पे रहम नहीं करते तो इस पे तो रहम करो। इसकी क्या खता है, इसकी क्या गलती है, ये प्यासा है, ये प्यास से लपक रहा है। अली तो बड़े शुअरा ने अली असगर की प्यास को बयान किया है और हम वाकई आजिज़ हैं हज़रत अली असगर की प्यास को समझने से। लेकिन एक शायर बड़े अजीब अंदाज में बयान करता है, शेर का मौका तो नहीं है लेकिन मैं बस उस अंदाज को बयान करूंगा। वो कहता है कि देखो, जब मछली पानी से बाहर चली जाती है तो थोड़ी देर तक जिस्म हिलाती है, फिर जब जिस्म हिलाने की ताकत नहीं रहती तो सिर्फ होंठ हिलाती है। ये अली असगर शायद सिर्फ होंठ हिला रहा है। लश्करे जालिम, आधा का लश्कर भी रोने लगा और शिमर की तरफ, उमर साद की तरफ सवाल होना शुरू हुए कि बात इमाम सही कह रहे हैं, किसी को पानी ना दिया, बच्चे को पानी क्यों नहीं देते हो। अब जब देखा बगावत का इम्तिहान तो उस लईन से कहा, तीर चढ़ा। इसने कौन सा तीर चढ़ाया? इसने वो तीर चढ़ाया जो जानवरों के पांव काटने के लिए होता था। अपनी कमान में सख्त तरीन तीन चढ़ाया। और एक और पूछने वाला पूछता है, बयान करने वाला बयान करता है, हुरमला ने उमर साद से पूछा, बाप का निशाना लूं या बेटे का? तो कहता है, अली असगर के गले की सफेदी का।
अरे तूने बाप को मार दिया तो बच्चे की मौत पे कौन तड़पेगा? बच्चे को मार ताकि बाप तड़पे। अरे किसको तड़पा रहा है? ये फातिमा का बेटा है, इसको मोहम्मद मुस्तफा अपनी गोद में लेते थे तो हुसैन को तड़पा रहा है। बस इसने तीर सितम चलाया, तीर अली असगर को लगा। अरे मैंने कह दिया नहीं मालूम क्या को राम पापा हुआ, इस तीर ने क्या किया। शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं ये तीर कान से कान तक काटता हुआ चला गया। मैंने ज़ियारत नाहिया का हवाला दिया, इमाम ज़माना ने फरमाया था तिफ्लु ज़री। अब एक और तारुफ है, अली असगर का नन्ना सा खून इमाम हुसैन के हाथों में आया, इमाम हुसैन ने खून को देखा, इमाम ज़माना फरमा रहे अल मुसइद दबाउ बिस्सबा, वो ये वो बच्चा है जिसका खून आसमान पर गया। ये अली असगर है, ये वो कुर्बानी है जो खुदा फरमाता है गोश्त और खून नहीं जाता, खुदा कुर्बानी कबूल कर लेता है। अली असगर को कबूल कर लिया गया। अजीजों बस दो 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 रिवायत और, आपकी जहमत तमाम। अली असगर को रोइएगा, इमाम ज़माना को पुरसा दीजिएगा, अली असगर की माँ को याद रखिएगा, इमाम हुसैन के दिल को झाँकिए। इमाम हुसैन ने अली असगर की लाशे को हाथ में लेकर कहा खुदाया तू देख रहा है मैंने जेल लिया, तू देख रहा है मैंने जेल लिया। बस अली असगर का लाशा लाए। अजीजों अगर मैं आपसे कहूं ये सबसे भारी लाशा था, सबसे भारी लाशा था, खेमे में नहीं लाए, पुश्ते खेमा जुल्फकार से कब्र खोदी है, जुल्फकार भी तड़प गई होगी। खबर खोद दी ऐसे तो मेरी आदत, मैं क्या करूं, मेरा दिल चाहता है मैं उन लम्हों को समझूं लेकिन मैं नहीं समझ सकता, आप नहीं समझ सकते, लेकिन बस बयान करने की कोशिश करूंगा। आपने कब्र में दफन होने का मंजर तो देखा होगा ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, जब हम कब्र खोदते हैं लाशें को ऊपर लिटाते हैं, अब ज़रा सोचना करबला की गरम मिट्टी है, अली असगर का खुश्क लाशा है, इमाम ने गरम मिट्टी पे रखना है, मिट्टी ऊपर से डालनी है। अब बस एक जुमला पूछूंगा, इमाम ने चाहा होगा कि पानी छिड़क दूं? चाहा होगा या नहीं चाहा होगा? अब क्या करें, माँ को कैसे बताएं तेरे बेटे के साथ क्या हो गया। उम्मेर बाप ने बस एक जुमला फरमाया, अरे कहीं तेरे जैसे भी ज़िबा होते हैं, मेरे बच्चे तू कैसा ज़िबा हुआ। अरे पूरी दुनिया के लिए अली असगर हुज्जत बन गया। अब उमर साथ धोखा नहीं दे सकेगा, अब शिमर धोखा नहीं दे सकेगा, अब यजीद का धोखा नहीं चलेगा, अब हुसैन का परचा बुलंद होगा। रहती कयामत तक पूरी दुनिया ये सवाल करेगी, अरे अगर तूने बागियों को मारा था तो ये बता छह माह का बच्चे ने कौन सी बगावत की है। माता में उसका